that we Muslims as a whole throughout the world should boycott all Israeli products. We should boycott consuming all Israeli products. Surely the 25% of the world population, if we boycott 100% of the Israeli products, it will be surely a reminder to Israelis and it will be a good lesson to them. तो जाकिर नाइक ने क्या कहा, जाकिर नाइक साहब ने ये बताया कि देखें हमें इजरायली प्रोडक्ट का बायकॉट करना पड़ेगा, अगर हम आज बायकॉट नहीं करेंगे तो हम इसी तरह पिसते जाएंगे मेरे भाई, इसी तरह हम दबते जाएंगे, तो हमें इस चीज़ से बचना है, हमें मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को टॉप पर लाना है, हमें मेड इन पाकिस्तान ब्रांड्स को टॉप पर लाना है, हमें इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है, हम हर चीज़ बना सकते हैं। और एक मज़े की बात बताऊँ, अगर हम इम्पोर्ट बंद भी कर दें तो भी हम भूखे नहीं मरेंगे, हमारा फिर भी काम चल रहा होगा। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, तो देखें कोई भी अपनी फैक्ट्री फौरन से बंद नहीं करेगा, वो नुकसान बियर करेगा और लोगों को एक साथ जॉब से वो नहीं निकालेगा, वो चाहेगा कि इस मामला को मैं सेटल डाउन करूं। पीछे अगर हम बात करते हैं कि इजरायली कंपनीज जो हैं वो और इसमें इन्वेस्ट करेंगी पाकिस्तान में कि भाई मार्केटिंग करो, इस इन्फ्लुएंसर को खरीद लो, ये हमारी तारीफ करे, मेरे भाई मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट को करें। देखें काफ़ी सारे हमारे बड़े ब्रांड्स हैं, उनकी मजबूरी ये है कि वो इजरायली प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, मतलब वो सप्लाई इजरायली प्रोडक्ट को करते हैं अपना प्रोडक्ट छोड़ के। वजह ये है कि लोगों की डिमांड है कि उन्हें इसराइली प्रोडक्ट पसंद है। अब उन्हें भी नहीं पता कि ये इसराइली प्रोडक्ट है। इन दी एंड कहने का मकसद ये होता है कि देखो ये एक बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस होता है फ्लिप करने से बिजनेस बढ़ता है, फ्लिप करते हैं लोग तो प्रॉफिट बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है। तो क्या करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, पाकिस्तानी हो गए, जैसे कि बांग्लादेशी हो गए, इंडियंस हो गए, ये एक कंपनी बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको ग्रो करते हैं और फिर इसको बेच देते हैं। इसको कौन खरीदते हैं? इसको खरीदते हैं दुनिया के अमीर तरीन लोग में आते हैं ये जूश लोग उस ब्रांड्स को खरीद लेते हैं। और फिर क्या उन्होंने किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी भेजी, उन्हें पैसा मिला, पैसे से उन्होंने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट की कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब उस प्रोडक्ट की कंपनी में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो पूरे दुनिया के लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग जब उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमारा ही पैसा, हमारे ही पैसों से हमारे ही मुसलमान भाइयों को कत्ल किया जा रहा है। आपको पता है पहले ये इराक के साथ भी हो चुका है, हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं आपको पता है कि उनका क्या हाल है, किस तरह उन पर कभी अमेरिका मिसाइल थोप देता है, कभी कौन थोप देता है, कभी कहां से जंग आ जाती है। हमें इम्पावर होना पड़ेगा, हमें इसराइली प्रोडक्ट का बायकॉट करना पड़ेगा। और हमें, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हमें अपने प्रोडक्ट पर लिखना चाहिए कि ये मुस्लिम प्रोडक्ट है, ये मुस्लिम ब्रांड है। और जो कंपनीज के ऑनर हैं, कंपनी के मालिक हैं, मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि मेरे भाई अगर आप अपनी कंपनी फ्लिप कर रहे हैं, अपनी कंपनी बेच रहे हैं, तो कोशिश करें अपने ही किसी कंट्री के बंदे को बेचें या जिस भी कंट्री के बंदे को बेचें, कम से कम मुसलमान को बेचें, ये जूश लोगों को ना बेचें, अंग्रेज़ों को ना बेचें अपनी कंपनी। इन दी एंड होगा ये कि हम इतनी मेहनत करके आपके प्रोडक्ट को रैंक करवाएंगे, आपके प्रोडक्ट को टॉप पर लाएंगे, और आप क्या करोगे, कोई एक बड़ी कंपनी बाहर की आएगी, इंटरनेशनल कंपनी आएगी, आप उससे पैसा लेकर उसको अपने 100 साल की कमाई लेकर उन्हें दे दोगे, क्योंकि ये तो भाई आगे का सोचते हैं, ये अगले 100 साल का सोचते हैं कि भाई अगले 100 साल बाद हमें क्या करना है। ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा ये ब्रांड है, तुम महीने के कितने कमा लेते हो, साल के कितने कमा लेते हो, ये लो 100 साल के तुम्हारा जो प्रॉफिट है, वो जो तुमने पूरा बिजनेस बनाया, तुम्हारे जो पैसे जगह जगह फंसे हुए, ये लो मेरे भाई, ये तुम्हारे पास आ गया तुम्हारा पैसा, हमें अपना ब्रांड दे दो, हमारे नाम पर कन्वर्ट कर दो। बायकॉट की मुहिम को हमें एंड तक लेकर जाना है, जितना जोर हम इस पे लगा सके हमें लगाना है। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, इस वीडियो को टैग करें और हमें बायकॉट को आगे लेकर जाना है। और हमें कोशिश करनी है कि हम अपने ब्रांड को रिप्लेस कर दें। देखो वही सेम क्वालिटी आप लोग दे सकते हैं। एक बंदे ने कहा कि उसकी चिकन जो है वो भी पाकिस्तान में ही बनती है, उसके बंस जो है वो भी पाकिस्तान में ही बनते हैं, मतलब कि पूरी हर चीज यहाँ पर बन रही है, लेकिन उसका 40% प्रॉफिट है जो कि वहां पर जाता है, जो कि घोड़ों को जाता है, जो कि जूश लोगों को जाता है पाकिस्तान से। बर्गर मुझे भी पसंद है, मैकडोनल्ड की बात हो जाए या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट की बात हो जाए, मुझे भी वो प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सेम प्रोडक्ट मुझे एक अलग लेवल में मिल जाए, हमें एक मुस्लिम लेवल मिल जाए, ताकि हमारा पैसा हमारे ही मुल्क में रहे या हमारा पैसा हमारे मुस्लिम भाइयों को मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।